रुख करते हैं बड़ी खबर की तरफ। मुमरा, जहां नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ महिलाओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन। मुमरा की महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई है, जहां नागरिकता संशोधन कानून का विरोध अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। CAA और NRC को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कानून का विरोध प्रदर्शन अब देश भर में फैल चुका है। तो हम बात करते हैं मुमरा की, जहां आज महिलाओं का एक बड़ा दत्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। लाखों की तादाद में महिलाओं का रूट मार्च, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से NRC और CAA के खिलाफ मुमरा की महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई है। बता दें कि आज गणतंत्र दिवस है और महिलाएं हाथों में तिरंगा लिए आजादी के नारे लगाते हुए नजर आ रही है, और उनका कहना है कि इस कानून की कोई जरूरत भारत देश को नहीं है। अगर सरकार को कुछ करना ही है तो महंगाई कम करें, देश में और भी बहुत से काम है, पर जनता को सताना बंद करें। और क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। अगर मेरे बाप दादा अगर यहाँ पर रह रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो मैं किसी को क्यों बोलूँ कि मैं यहाँ के हूँ या नहीं हूँ? हु इज़ द गवर्नमेंट टू आस्क मी दैट? नोबडी हैज़ अ राइट टू क्वेश्चन माई आइडेंटिटी और टू क्वेश्चन माई व्हाट यू से वजूद मेरा एज अ सिटीजन, यू नो, पूछने का किसी को भी अधिकार नहीं है। NPR NRC के खिलाफ जो हमने रैली निकाली है, उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैसेज दे कि ऑल ऑफ इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड, देन कैन नॉट ब्रेक अस, द रियल टुकड़े टुकड़े गैन इज द BJP IT सेल एंड द BJP लीडर्स। तो हम टुकड़े टुकड़े नहीं हैं, हम तो इंडिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हमने आज प्रण लिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत हमारी आखिरी सांस तक करेंगे, एंड वी वॉन्ट अ स्टेबल गवर्नमेंट जो हमारे संविधान की रक्षा कर सके। ये नेशन का मुद्दा है, तो नेशन वर्सेस गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली सारे लोग इसमें एकत्रित है। जहाँ देखो आप यही चीज़ चल रही है। उनको बुलाए थे जो अपेक्षा जी हैं, और वो सबको बुलाए थे, उन्होंने भी अपने जो मैसेजेस है वो कन्वे किए। ये दबी कुचली आवाम के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, यानी कहाँ से गरीब आवाम कहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाएगी? यानी हम इसको कंडम करते हैं। और जो यूपी में और जो दिल्ली में पुलिस ने किया स्टूडेंट के साथ और उनके घर वालों के साथ, या उनके घरों को लूटा जो पुलिस ने मामला किया, तो हम पुलिस के इस एक्ट को भी कंडम करते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसी हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हमारी पुलिस से और हमारे संविधान से, हमारी जुडिशरी से, तो वो सही फैसला भी करें और इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। हिंदुस्तान की बेटी हूँ और मैं यही कह रही हूँ, हमारे PM मोदी सरकार हैं जो, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि आपने जो ये NRC और ये सब CACA ये क्या क्या ये सब ला रहे हो, ये सब जनता से, इससे बेरोजगार है, रोजगार दो जनता, और हमारे किसानों को, स्टूडेंट जो हमारे पढ़ाए बच्चे हैं वो मदद करो। कितने सारे अभी भी हिंदुस्तान कितना गरीबी में जूझ रहा है वो अपने यहाँ का देखो, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क से आएंगे उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ना हमारे को आने का है ना जाने का है, हमको ना लेना है ना देना है उनसे, तो उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि इसको वापस लो, जहाँ तक कि अगर हमारी हिंदुस्तान की एक बेटी और इतनी सारी बेटियाँ जो खड़ी हैं, जो हमारे मुस्लिम का तिबल तिलाक पे आपने हमारे साथ दिया था, तो हम यही आपसे कह रहे हैं कि इसमें भी हमारा साथ दो, और हम इसको नहीं चाहते कि ये लागू होए, बस यही। जस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू PM, देयर इज अ बिग इशू ऑफ पॉपुलेशन ओवर हियर इन इंडिया, व्हाई यू पीपल वांट अदर पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री, हाउ विल यू मैनेज? जब यहाँ के लोगों को आप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, वी आर टैक्स पेयर, हमारे पास सब कुछ है, और आप हम लोगों को जो गरीब लोग हैं हमसे, देयर आर सो मेनी मीन्स ग्रुप्स ऑफ द क्या बोलेंगे उसमें, बहुत सारे पीपल है, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स ऑफ पीपल, उसमें पुअर भी है, मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है, तो आप मिडिल क्लास जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं वो लोग कहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे? और उसमें कुछ मुस्लिम और हिंदू कुछ है ही नहीं, वी आर इंडियंस, तो हाउ विल दे प्रोवाइड देयर पेपर्स टू यू? और मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी PM से कि क्या उनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांग रहे जनता से? पहले वो शो करें डॉक्यूमेंट्स, देन वी विल शो देम। दिस इज माई प्लीज दिस मैसेज टू